अंसारी, इस बार गरीबों के 7,000 से ज्यादा राशन कार्ड सरकार ने नए नियम के तहत काट दिए हैं। अब इनकी परेशानी बढ़ गई है। सरकार राशन कार्ड को लेकर के लगातार जिस तरीके से दिशा निर्देश जारी कर रही है, उससे गरीबों की परेशानी बढ़ रही है, ऐसा नजर आ रहा है। क्योंकि खाद्य विभाग के अधिकारी जिस तरीके से फरमान जारी कर रहे हैं, उस पर यही है कि गरीब और महागरीब के अब राशन कार्ड इस बार नहीं बनेंगे। नवीनीकरण में ये 7,000 से ज्यादा गरीब बाहर हो गए हैं, क्योंकि इनके राशन कार्ड अब बनने वाले नहीं है। पिछली सरकार ने हालांकि इन गरीब और महागरीबों को, जो किसी तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, उनको कार्ड बनाने के लिए अनुमति दी थी, लेकिन इस बार ये अनुमति नहीं मिल रही है। हो सकता है इसमें केंद्र और राज्य की जो राशन की लड़ाई है, केरोसिन और राशन को लेकर के जो मुद्दे उठे हैं, वो एक मामला हो सकता है। लेकिन अभी जो फिलहाल है, इन गरीबों को 7,000 से ज्यादा गरीबों को राशन नहीं मिलने वाला है। गरीब और महागरीब की सरकार की पिछली सरकार की जो योजना थी, उसमें 7,000 से ज्यादा गरीबों को राशन मिला था, लेकिन इस बार इनके राशन कार्ड काट दिए गए हैं। बिलासपुर से